डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ की नवीन मंडी में बीती रात बदमाशों ने पुलिस चौकी व मंडी सचिव आवास के सामने स्थित मैसर्स परमात्मा शरण एंड संस में घुसकर 16.5 लाख रुपए चुरा लिए। तेल व चीनी व्यापारी सुमित रस्तोगी की इस फर्म में CCTV लगे हुए हैं, लेकिन बदमाशों ने उसके तार काट दिए थे। वहीं मंडी समिति सचिव के आवास व गेट पर लगे CCTV खराब बताए गए हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। डॉग स्क्वाड भी थोड़ी दूर जाकर शांत हो गया। मेरठ में व्यापारियों के साथ लगातार हो रही ही घटनाओं पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने कहा है कि यदि जल्द ही रुपयों की बरामद की वह घटना का खुलासा नहीं हुआ तो व्यापारी सड़क पर आने के लिए बाध्य होगा। देखिए, इस बारे में फर्स्ट बाइट ने संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता से बात की तो उन्होंने यह कहा। हेलो नवीन जी। जी रवि शर्मा बोल रहा हूँ सर। जी जी नमस्कार जी। नवीन मंडी में आज क्या प्रकरण हुआ है, कैसे चोरी हुई है? नवीन मंडी में अमित और सुमित नाम के व्यापारी हैं जी। इनकी फर्म का नाम है परमात्मा शरण एंड संस जी, 4A इनकी दुकान का नंबर है जी। ये कल रात्रि अपनी दुकान बढ़ाकर गए थे, अपने घर ताले वाले ठीक प्रकार से लगाकर 16.5 लाख रुपए इनकी अलमारी में रखे थे जी। सुबह जब अपनी दुकान पर पहुंचे हैं तो उन्होंने बाहर का गेट का ताला खोला, बड़ा लोहे का गेट है मजबूत जी। वो तो सामने उनका चैनल है, उससे आगे जाके उस चैनल में नीचे हम फट्टा बोलते हैं जिससे हमारे मजदूर लोग गाड़ी को लोड करते हैं चढ़कर, वो फट्टा चैनल में फंसा रखा था जिससे लगभग 9-10 इंच चौड़ा हो गया था। उन्होंने उनकी कार भी उसी के अंदर खड़ी थी, उसका शीशा तोड़कर उसमें रखे जैक वगैरह उनको निकाला है और चैनल से अंदर घुसे हैं। जो भी अपराधी हैं, अंदर का एक शटर है उसके 2 ताले तोड़कर, फिर गद्दी पर रखी अलमारी के ताले तोड़कर लगभग 16.5 लाख रुपया वो ले गए। 2-4-5 हजार रुपए की उसमें रेजगारी भी रखी थी, उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया। अधर से वहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे क्या, इतनी धनराशि उन्होंने रखी हुई थी वहाँ पर? ये कभी कभी व्यापारी मजबूरी में छोड़ता है, अधिकांश लोग तो ले ही जाते हैं रात को, कुछ लोग मजबूरी देर हो जाती है छोड़ जाते हैं। मंडी परिषद ने वहां पर गार्ड रख रखे हैं सुरक्षा के लिए, और करीब करीब जहां ये चोरी की घटना हुई है उससे 150-200 मीटर दूर मंडी पुलिस चौकी भी है, मंडी समिति के सचिव का निवास भी है, ऑफिस भी है जो CCTV कैमरों से लैस है। लेकिन जानकारी करने पर सुबह उसका ये पता लगा कि वो कैमरे भी काम नहीं कर रहे, तो ये मंडी समिति की जिनकी जिम्मेवारी है गार्डों की सुरक्षा देखने की, संभवतः वो भी कहीं सो रहे होंगे, जाकर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, और पुलिस चौकी पर जो कर्मी है वो भी जाकर सो रहे होंगे। अब आप इस पर कुछ कर रहे हैं? मैंने घटना के बाद कप्तान को बात की थी, SPCT को बात की थी, मौके पे फॉरेंसिक विभाग की टीम और डॉग स्क्वाड भी आया था, लेकिन जो वहाँ अपराधी है वो संभवतः दस्ताने और रबड़ के दस्ताने पहने हुए थे, वहाँ वो मिले हैं। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक विभाग क्या करेगा, डॉग को तो कोई सूंघ मिली नहीं। हम लोग इसमें कप्तान से बात करेंगे, दबाव बनाएंगे कि जल्दी से जल्दी चोर पकड़े जाएं और बरामद राशि करके व्यापारी को वापस लौटाई जाए। ठीक है देखिए जी, नमस्कार। नमस्कार, इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलें। नमस्कार। The God's Palace Resort, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।